से कोर्स थ्राइस ऐसे काटनी है, फिर इसको एक दो दो बार काटना है बस, ठीक है। हॉस्पिटल में किसी चीज का पोस्टमार्टम करते, वैसे मैंने अभी प्याज का जो पोस्टमार्टम कर दिया, पर इसके अगर आग उग लगे तब भी डरना आप। और गाइस जो मेरी रेसिपी होती है इसमें एक एडवांस जरूर होता है। तो हेलो इंडिया, कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज आपका साहिल एक और नई डिश लेके आ रहा है जिसका नाम है चीज चिली। चलो आप बनाते हैं फिर चीज चिली। सो गाइस, सबसे पहले मैंने 3 प्याज जो अपनी रेसिपी के लिए चीज चिली के लिए ले लिए हैं, और अभी इसको मैं ऐसे काटूंगा। तो जो काटना होता है वो भी बड़े तरीके से काटना होता है, अभी आप देख सकते हो बिल्कुल इसको गोल काटना है और बीच से इसको ऐसे काटना है एक स्लाइस, फिर दोबारा बीच से कोर्स स्लाइस ऐसे काटनी है, फिर इसको एक दो दो बार काटना है बस, ठीक है। दूसरे को भी ऐसे हम रिपीट करेंगे, ऐसे दो बस ऐसे आपने काटना है। सो गाइस, आपको इसको अब अलग करना है सभी को ही, क्योंकि इससे जो प्याज होगा वो हमारा अच्छे से पक जाएगा, और इससे जो क्वांटिटी होती है जो भी आप आइटम बना रहे हो, जैसे आप अगर कढ़ाई पनीर भी बना रहे होंगे तब भी आप इसको ऐसे खोलोगे तो जो क्वांटिटी होती है उस वो ज़्यादा हो जाती है इससे। तो आप इसको सारे को खोल लो पहले। सो गाइस, अभी आप देख ही सकते हो कि मैंने इसको सारे को अलग कर दिया, जैसे हॉस्पिटल में किसी चीज़ का पोस्टमार्टम करते, वैसे मैंने अभी प्याज का जो पोस्टमार्टम कर दिया, पर इसके अस्थि पिंजर जो हैं वो मैंने अलग कर दिए, और आप देख ही सकते हो कि इसकी क्वांटिटी भी कितनी ज़्यादा होगी, ठीक है। सो गाइस, अभी इसमें जो सेकंड वेजिटेबल है, सबसे पहले तो मैंने ओनियन ले लिया था, सेकंड वेजिटेबल मैं ले रहा हूँ शिमला मिर्च। सो आपने इसके भी ऐसे पतले पतले स्लाइस कर लेने हैं अच्छे से। एक मैंने रेड ली है और एक मैंने ग्रीन ली है, वैसे तो आप जो पत्ता गोभी भी डाल सकते हो लेकिन अभी वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, और एक मैंने ग्रीन ले ली है। और जो आपको ये अंदर का दिख रहा है ना, जो आपको निकाल देना है ऐसे करके, खुद ही अलग हो जाएगा बीज के साथ ही, इसको नहीं बीच में डालना है आपने। ओके गाइस, ऐसे ऐसे आपको स्लाइस कर देना, और ऐसे इतनी क्वांटिटी में आपको छोटे छोटे स्लाइस करने, ये पूरे जैसे हमने अनियन के जो है प्याज के स्लाइस करे, वैसे आपको इसके भी ऐसे स्लाइस कर लेने हैं छोटे छोटे। आप देख ही सकते हो कि इधर मैंने दो जो है ग्रीन चिली भी ले ली है, इसको आपने ऐसे बीच से ऐसे चाकू को ऐसे लेके जाना है, इसका जो पेट है मतलब सेम ही जैसे हमने अनियन का करा पोस्टमार्टम, वैसे आपने चिली जो ग्रीन है, ये ग्रीन चिली जो है इसका पोस्टमार्टम कर देना, उसको बीच से जो बड़ी होती है, अगर बड़ी अगर छोटी तो ज़्यादा बेटर है, और बड़ी तो आपने बीच से भी इसको काट देना है अच्छे से। गाइस, इधर मैंने पैन में जो है वो ऑयल डाल दिया है, वो मैंने 3 से 4 टेबलस्पून जो ऑयल डाला हुआ है अभी। सबसे पहले मैंने इसलिए डाल दिया इसको क्योंकि ये गर्म होने में टाइम लेगा, इसलिए मैंने पहले ही डाल के रख दिया इसको। सो अभी मैंने इसमें जो है सबसे पहले जो मैंने गार्लिक पेस्ट जो है वो मैंने ऐड करना है, वो भी 1 से 2 टेबलस्पून ज़्यादा से ज़्यादा। इधर अभी मैंने जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट भी बना के तैयार कर लिया। गाइस, अभी आप देख ही सकते हो कि इधर जो ऑयल है वो बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इधर मैं 1 से 2 टेबलस्पून जो है वो अदरक से डाल दूंगा पेस्ट के, और इसको अच्छे से मैं चला दूंगा। डरना नहीं, अगर आग उग लगे तब भी डरना, आपको कुक बन रहे हो, कुक में कोई मतलब डर डुर कोई चीज़ नहीं होता, चाहे हाथों में तेल पड़ जाए तब भी नहीं आपने डरना है। आप देख सकते हो पता नहीं कब जैसे फ्लेम ऊपर आ सकती है। तो आपने इसको जब तक मतलब ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने न लग पड़े तब तक इसको अच्छे से हिलाते रहना है, अब थोड़ा थोड़ा ये ब्राउनिश कलर खुद ही देने लग पड़ेगा। सबसे पहले मैंने ली है शिमला मिर्च, ये मैंने बीच में डाल दिया, और साथ में मैंने जो प्याज काटा हुआ उसको भी डालने लगा, ये मैंने प्याज भी डाल दिया। ये आप देख ही सकते हो कि मैंने जो पूरा जो मैंने वेजिटेबल काटा हुआ था मैंने बीच में डाल दिया है, और आपको इसको तब तक मिक्स करना है जब तक ये पूरे गार्लिक पेस्ट के रग रग में न बस जाए। ओके गाइस,
अभी मैं जो चिल्ली जो ग्रीन चिल्ली है वो भी डालने लगा हूँ, थोड़ा सा इसको भूनने के बाद ये मैंने डाल दूंगी इसमें। और अभी मैं इसके बीच में ऐड करने लगा हूँ अजीनोमोटो। ये आपको मतलब बहुत ही लेस प्राइस में आपको जो किराने की शॉप में मिल जाएगा। इसको आपने हाफ टेबल स्पून डालना है, मेरे को थोड़ा सा अंदाजे में हाथ से डाल रहा हूँ, लेकिन आपको तकरीबन हाफ टेबल स्पून को डाल देना है। इससे जो है वो थोड़ा सा चाइनीज़ फ्लेवर आ जाएगा आपकी डिश में। जब ये हल्का हल्का ब्राउन हो गया है, तो हल्का हल्का जब ये ब्राउन हो जाए तो आपको इसके बीच में जो है पानी ऐड करना है, वो भी थोड़ा सा, मतलब एक कड़छी से दो कड़छी आप सिर्फ पानी जो ऐड कर सकते हो। तो अभी इसको हमने पकने के लिए रख देना है, अच्छे से ये पक जाए, कच्चा ना रहे बीच में खाने के लिए। बहुत ही इजी जो मैं आपको रेसिपी बता रहा हूँ, बहुत ही इजी रेसिपी है, ना होटल जैसे कि आपको ज़्यादा सामान लगेगा ना कुछ, मतलब घर में बना रहा मैं भी कोई, ना भट्ठी के ऊपर बना रहा हूँ ना किसी के ऊपर, ओनली बस जो गैस होता है, जो घर की गैस होती है उसके ऊपर ही भी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं इसको हमने हल्की सी फ्लेम के ऊपर रख दिया अच्छे से, और इधर हमारा तेल भी जो गर्म हो चुका है। सो गाइस अभी आप देख ही सकते हो कि मैंने एक से दो टेबलस्पून जो अरारोट के ले लिए हैं पहले से, और मैं इसमें दो से तीन टेबलस्पून जो है मैं बेसन के ऐड कर रहा हूँ, और साथ में मैं हाफ टेबलस्पून जो है मैं नमक ऐड कर रहा हूँ बीच में, और हाफ टेबलस्पून जो मैं गर्म मसाले के ऐड कर रहा हूँ बीच में, देख सकते हो आप। और साथ में मैं कर रहा हूँ देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का, देख सकते हो आप। और साथ में मैं इधर जो मैंने ये वेजिटेबल डाले हुए अभी पकने, इसमें मैं थोड़ी थोड़ी देगी मिर्च वो डाल दूंगा रंगत के लिए साथ में ही, और साथ में मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूंगा हल्का सा, और ये अच्छे से इसको मैं मिला दूंगा। बिल्कुल हल्की फ्लेम में आपने इसको पकने के लिए रख देना है। इसमें मैं भी डालूंगा एक से दो टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट के, इसमें मैं ऐड करूंगा बीच में। सो गाइस इसमें जो मैं मैरिनेट करने के लिए जो मेन हमारी आइटम होगी वो हमारा होगा एग। आप देख सकते हो मैं एग इसमें डाल रहा हूँ, और अच्छे से मैं इसको चम्मच के साथ जो मैं अच्छे से इसको मिला लूँगा कि अच्छे से जो इसका मिक्सचर हो जाए। ये आप देख ही सकते हो कि जो मैंने इसका मिक्सचर है वो तैयार कर, मैंने पनीर भी इधर ले लिए, मैंने 150 ग्राम अभी पनीर लिया हुआ है, और आपको आप अपने हिसाब से मतलब इसके अच्छे से यूज कर सकते हो। सो मैंने इधर इसको अच्छे से काट दिया, और इधर से मैं क्यूब करने जा रहा हूँ इसके, देख सकते हो आप कितने अच्छे इसके अभी क्यूब आ रहे कटिंग में, बिल्कुल जो बराबर कटिंग अभी आ रही है देख सकते हो आप, बिल्कुल सेम कटिंग है सबकी। तो गाइस आपने भी ऐसे काट लेना है इसको अच्छे से। और गाइस जो मेरी रेसिपी होती है इसमें एक एडवांस जरूर होता है, आप सोच रहे होंगे कि अभी मैं पनीर को सीधा मैरिनेट करूंगा और सीधा इसमें फ्राई करने के लिए रख दूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं इसको इस छाननी में लूंगा पनीर को, ठीक है गाइस। और सबसे पहले मैं इसको अकेले पनीर को सबसे पहले मैं इसको रोस्ट करूंगा अच्छे से। रोस्ट करूंगा, अब सोच रहे होंगे आप इसको मैं रोस्ट क्यों कर रहा हूँ, रोस्ट इसलिए कर रहा हूँ जो इसकी कोडिंग होती है बेसन की वो इसके ऊपर अच्छे से चढ़ सके, क्योंकि अगर मैं इसको सीधा ही मैग्नेट करके डाल देता बेसन से तो इसके ऊपर जो कोडिंग बहुत अच्छे से नहीं आती, और ये सारे पनीर जो है वो बिखर जाता, अलग अलग हो जाता बेसन के साथ से। तो गाइस अभी आप देख ही सकते जो हमारा पनीर है वो हल्का हल्का ब्राउन होने लग पड़ा है, तभी हमने इसको एक अलग से बर्तन में निकाल लेना है। ये बेसन का बनाया हुआ है, इसमें हम इसको डाल देंगे और अच्छे से हम इसको मैरिनेट कर लेंगे अच्छे से मिला के, कि इसके हर तरफ मतलब जो है वो बेसन की कोडिंग चढ़ सके। देख ही सकते हो आप अच्छे से कैसे मैरिनेट हो गया अभी ये। जब इसमें एक और चीज़ में जो ऐड करने जा रहा हूँ वो कस्तूरी मेथी, देख ही सकते हो आप कितनी अच्छी जो गार्निश आ रही है इससे, अभी इसको मैं अच्छे से मिला दूंगा। हमारा तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसके बीच में जो मैं पनीर के जो क्यूब है मैं एक एक करके डाल रहा हूँ, अच्छे से मैरिनेट हो गया है ये, देख सकते हो आप।
सो गाइज अभी आप देख ही सकते हो इसके ऊपर जो पनीर के ऊपर जो कोडिंग है वो अच्छे से आ गई है। ये मतलब अगर आपने सीधा मतलब बिना फ्राई करे हुए पनीर डाल दिया होता तो जो बेसन की कोडिंग है वो अलग हो जाती और पनीर अपना अलग हो जाता, इसलिए इसको अच्छे से चिपकाने के लिए मैगनेट करने के लिए मैंने पहले इसको अलग से फ्राई करा, फिर इसके बीच में बेसन डाल के इसको फ्राई करा। तो गाइस अभी आप देख ही सकते हो कि हमारा जो पनीर है वो अच्छे से पक चुका है, आप ऐसे इसको देख ही सकते हो कि जो अच्छे से इसकी कोडिंग हो गई है। वैसे किसी चीज़ को प्यार करवाते हैं ना हम, किसी चीज़ का मिलन करवाते हैं, वैसे अभी हम वेजिटेबल और पनीर का मिलन करवा रहे हैं। अभी आप देख सकते हो कि मैंने जो वेजिटेबल और पनीर का मिलन करवा दिया इसको। गाइस अभी आप देख ही सकते हो कि इसमें अभी सॉस मैंने कोई भी ऐड नहीं करी है, इसको आप देख सकते हो कि इसमें जो रंगत है वो पहले से निखर के आ रही है। तो अभी मैं इसमें जो है सॉसेज एक एक करके ऐड करूंगा और आपको बताऊंगा भी कितनी क्वांटिटी में इसमें सॉस ऐड करनी है। तो गाइस अभी आप देख ही सकते हो मैंने हाफ सोया सॉस का ढक्कन ले लिया और इसको बीच में ऐड कर रहा हूँ, साथ में मैं इसमें विनेगर ऐड कर रहा हूँ। आपको हाफ टेबल स्पून जो है वो ग्रीन चिली का यूज़ करना है इसमें, देख ही सकते हो आप। और सबसे एंड में आपको यूज़ करनी है टोमेटो केचप, जो आप इसको 2 टेबलस्पून जो है वो ऐड कर सकते हो बीच में अच्छे से। तो गाइस अभी इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी आप देख ही सकते हो इसकी रंग जो वो निखर के आ रही है हमारे चीज़ चिल्ली के रूप में। गाइस अभी आप देख ही सकते हो जो हमारा चीज़ चिल्ली वो बन के रेडी हो गया है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ चिल्ली जो बिल्कुल होम मेड रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।